हेलो दोस्तों, मैं हूं केआर मिश्रा। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपका कमेंट है, मोनली बॉयज़ के लिए है ये कॉलेज। तो ये कॉलेज का मतलब कौन सा कॉलेज? अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल को तो समझ लीजिए किस कॉलेज के बारे में बात हो रही है। ये कॉलेज हो रही है महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक गोरखपुर की। ये पॉलिटेक्निक कॉलेज है गोरखपुर की। तो दोस्तों, सबसे पहले ये बता दें कि केवल बॉयज़ के लिए नहीं है, ये दोनों के लिए, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए है, ठीक है। जो केवल केवल और केवल गर्ल्स के लिए होता है वो वहाँ पे लिख दिया जाता है कि गर्ल्स पॉलिटेक्निक। मतलब जो मान लीजिए एक्स वाई जेड जो भी नाम हो उस कॉलेज का, एक्स वाई जेड गर्ल्स पॉलिटेक्निक ऐसे लिख दिया जाता है। वहाँ केवल गर्ल्स पढ़ती है, लेकिन जो भी ऐसे नाम होते जैसे महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक और भी कहीं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, उन लोगों में ऐसे अगर है कहीं नाम तो उनमें लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते हैं, क्योंकि कॉलेज में लड़के और लड़कियां दोनों अलाउ होते हैं, ठीक है। समानता है, समानता का अधिकार है, तो सभी लोग, अब लड़के लड़कियों का भेद नहीं रह गया है। लेकिन कहीं कहीं ऐसे होते हैं कि केवल लड़कियाँ पढ़ती हैं, ऐसे कॉलेज हैं गर्ल्स पॉलिटेक्निक करके रहता है। ऐसा कोई कॉलेज नहीं है विशेष करके केवल बॉयज़ के लिए, ऐसा मैं कॉलेज नहीं देखा हूँ। लेकिन जो इंटर लेवल तक के स्कूल होते हैं, कॉलेज जो होते हैं, वहाँ पे ऐसी बाध्यता देखने को मिलती है। इंटर और हाई स्कूल की जो पढ़ाई होती है वहाँ पे केवल इंटर की केवल बॉयज़ पढ़ते हैं, ऐसा होता है। लेकिन ऐसे पॉलिटेक्निक कॉलेजों में बहुत कम ही देखने को मिलता है। अगर वो गर्ल्स के लिए है तो केवल और केवल गर्ल्स के लिए, तो वहाँ लिख देता है गर्ल्स पॉलिटेक्निक। हाँ, तो ऐसे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन इस कॉलेज में, जो महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक कॉलेज में, गर्ल्स के लिए हॉस्टल नहीं है, केवल बॉयज़ के लिए हॉस्टल उपलब्ध है। लेकिन कॉलेज के बाहर ही हॉस्टल आपको मिल जाता है जो कि गर्ल्स के लिए, लेकिन वो स्कूल का, कॉलेज का नहीं होता है। अभी तो बाहर से ले लेते हैं, लेकिन वो हॉस्टल का नहीं कह सकते। एक रूम प्रोवाइड होता है, मतलब कि आपको भोजन वगैरह नहीं मिलेगा। तो इस हिसाब से रूम कहें तो बेहतर होगा। कोई दिक्कत नहीं, बॉयज़ के लिए भी है और गर्ल्स के लिए भी है, केवल बॉयज़ के लिए नहीं है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं निश्चित रूप से ले सकते हैं। अच्छा अच्छा कॉलेज है, गवर्नमेंट की तरह ही पढ़ाई होती है, लेकिन यह थोड़ा अच्छा कॉलेज है, पढ़ाई बेहतर होती है गवर्नमेंट से। ये सारी चीज़ें हैं, अनुशासन से बद्ध है कॉलेज, तो कहीं ना कहीं बेहतर कॉलेज है मेरे देखने से। मैं भी वहीं से पढ़ाई किया हूँ, अगर आपको भी वहाँ पढ़ाई करना है निश्चित रूप से आप कर सकते हैं, बेहतरीन कॉलेज है। बाकी आपकी इच्छा, हम तो कहेंगे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए तो गवर्नमेंट कॉलेज आप ले सकते हैं। बाकी ये एडिट पॉलिटेक्निक कॉलेज है, इसमें भी सारी फैसिलिटी जो ही होती है, लेकिन थोड़ा सा अनुशासन गवर्नमेंट से बेहतर होता है एडिट में, क्योंकि एडिट वह चीज़ें होती है जिसमें आपको प्राइवेट और सरकारी दोनों की चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पढ़ाई बेहतरीन देखने को पाएंगे, दोनों गुड़ों से लैस होंगे आप। कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी यहाँ सही है, वर्कशॉप वगैरह भी सही है, तो बढ़िया है हमारे देखने से। बाकी आप लोगों को जो भी कॉलेज मिल जाए, आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो कर ही लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि प्राइवेट ही हो या सरकारी जॉब, आपको ये नहीं पूछती है कि आप किस कॉलेज से पढ़ के आए हैं। कोई मतलब ही नहीं है कि किस कॉलेज से पढ़ के आए हैं। हाँ, आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए, आप स्किल से भरे हों, ये सारी चीज़ें महत्व रखती है। तो निश्चित रूप से आप पढ़ाई कर लीजिए किसी भी कॉलेज से, जो भी मिल जाए। अगर आप संबद्ध हैं, सामर्थ्यवान हैं, तो प्राइवेट से मिल जा रहा है। अगर आप नहीं सारी चीज़ें किए हैं तो आप प्राइवेट से ही कर लीजिए। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम वगैरह नहीं दिए हैं, नहीं मिल पा रहा है, तो साल बर्बाद मत करिए। आप प्राइवेट से अगर सामर्थ्य है तो कर लीजिए, नहीं तो आप एडिट से ही कर लीजिए। अगर एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, अगर मिल जा रहा है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट से ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों से गुजरा हूँ, और आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी मिल जाए कर लीजिए, क्योंकि प्राइवेट या सरकारी जॉबों के लिए कोई महत्व नहीं रखता कि आप किस कॉलेज से पढ़ के आए हैं। बाकी यहीं तक का वीडियो रहे, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी क्वेरी हो कमेंट छोड़ दीजिए, उसका जवाब आपको जरूर मिल जाएगा। धन्यवाद।